सो गाइस, इस बड़ी वीडियो पे ही हम इस पुराने से एचपी के लैपटॉप को एक नया सा लुक देने की कोशिश करेंगे। स्प्रे पेंट की मदद से इसमें नया पेंट करेंगे और जो जो होता है मॉडिफिकेशन का काम वो करने वाले। तो इसका आप हाल अभी देख सकते हो, काफ़ी पुराना हाल है और इसमें कुछ मतलब पेंसिल से लिखा हुआ है। तो मैं इसमें टेप से सिंपली से इसका जो लोगो है उसमें टेप लगा दूंगा ताकि इसमें कलर ना हो और कलर एकदम इसमें नहीं गिरे, ठीक है। तो इसको मैं पेंट करने वाला हूँ इस स्प्रे पेंट से। तो इसका हालत आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब है और इसमें ऊपर से जंग लग चुका है बहुत बढ़िया और एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें ये स्प्रे पेंट से मैं इसमें पेंट करूँगा। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ाना देने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं स्प्रे पेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए, मैं स्प्रे पेंट कर रहा हूँ। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैं कलर कर रहा हूँ स्प्रे पेंट से और इसका कलर धीरे धीरे कंप्लीट भी हो रहा है। जैसे वक्त जा रहा है तो इसका कंप्लीट हो चुका है फाइनली। देख सकते हैं मैं कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये कुछ लास्ट स्टेप रह गया, तो ये हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट। और कंप्लीट होने के साथ साथ इसमें एक जो स्टिकर लगाया था तो स्टिकर को मैं पहले रिमूव कर दूँगा, उसके बाद काफ़ी अच्छा लुक आएगा। उसमें एचपी का जो लोगो है वो भी दिखाई देगा अच्छे से। तो मैंने जो स्टिकर लगाया है वो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर आपसे दिखाता हूँ इसका पूरा ओवरव्यू और कुछ सिनेमेटिक शॉट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं पहले इसको अच्छे से रिमूव कर लेता हूँ। तो देख लीजिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो रिमूव करने के बाद आप सिनेमेटिक शॉट ज़रूर इन्जॉय कीजिए। सो गाइस, यही तक था आज का हमारा ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो आगे और देखने के लिए।